साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। उनके एहतसाब अदालत पेशी के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि एहतसाब अदालत के अदालत का जो गेट है वो अब से कुछ देर पहले खोला गया था और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गाड़ी एहतसाब अदालत में दाखिल हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं। आज एहतसाब अदालत में 10वीं मरतबा पेश हो रही हैं और एहतसाब अदालत ने अब तक 8 गवाहान के बयान कलमबंद हो चुके हैं। 2 गवाहान के बयान आज मज़ीद कलमबंद किए जाएंगे। जज मोहम्मद बशीर इस केस की समाअत करेंगे जो कि कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। उनके हमराह उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी मौजूद हैं। आज एहतसाब अदालत में पेशी के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। और वज़ीर ममलिकत तारिक फजल चौधरी इस वक्त एहतसाब अदालत में दाखिल हो रहे हैं और उनके साथ दीगर नून लीगी रहनुमा भी इस वक्त मौजूद हैं। एहतसाब अदालत के गेट के मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त ना सिर्फ नून लीग के कारकुनान बल्कि नून लीगी जो रहनुमा हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। पहले से वहाँ पर इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद थे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज एहतसाब अदालत में पेशी के लिए आएंगे तो उनका इस्तकबाल किया जाएगा। इस वक्त आप एहतसाब अदालत के बाहर के मनाजिर आप देख सकते हैं, जहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अब से कुछ देर पहले एहतसाब अदालत में दाखिल हुए हैं। उनके साथ उनकी साहबजादी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी उनके हमराह हैं।